बर्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर व आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। इसी रंजिश के चलते दमोह देहात थाना के तेजगढ़ खुर्द का एक मामला सामने आया है, जहाँ भगत सिंह लोधी को गाँव में ही रहने वाले राजेंद्र उर्फ बबलू लोधी नामक व्यक्ति ने गोली मार दी, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस मामले के संबंध में देहात थाना प्रभारी सविता रजक ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया। ये उनके चाचा हैं जो रज्जन सिंह, उनके घर पे गए थे चार्जर लेने, निकले वहाँ से तो उसने बोला कि बबलू सिंह ने बोला कि यहाँ पे क्या कर रहा है, तो बोले कि चार्जर चाहिए मेरे को, चार्जर लेने, चार्जर मांगा उससे, तो बोला कि भाग रहा है यहाँ से कि नहीं भाग रहा है, तो भागे नहीं, वो गया अंदर सीधा बंदूक उठा के लिया और चला दिया। और कोई विवाद था? उनका विवाद पहले से है। क्या नाम लड़ा है कोई? उनका लड़का लड़की भागे हैं जो उस वहाँ वैसे। और कौन कौन घायल है? और कौन घायल है साथ में? और कोई नहीं, वो घायल ही बैठे अकेले हैं। क्या नाम है उनका? उनका भगवत लोधी। आपका क्या नाम है? हमारा ओमकार लोधी। आप कौन हैं? हम भतीजे हैं उनकी। सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई एक व्यक्ति तेजगढ़ खुर्द में व्यक्ति को किसी ने गोली मार दी है। सूचना पर जब मौका पर गए तो भगवत सिंह लोधी घर अवस्था में थे, जिन्हें प्राइवेट वाहन से ही तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया था। और हॉस्पिटल में आके उनसे पूछताछ की गई है तो उन्होंने बताया कि कोई वो रज्जन सिंह के यहाँ चार्जर लेने गए थे, तो इनने आके बबलू लोधी ने, जो आरोपी हैं बबलू लोधी, उनने आके उससे बोला कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो और चार्जर यहाँ से जाओ, यहाँ इनके घर के सामने खड़े मत हो। तो उसने बोला मैं चार्जर लेकर चला जाता हूँ, तो उसने गाली गाली दे के और बोला मैं बताता हूँ, और अंदर से अपनी बंदूक ला के उस पर फायर कर दिया। क्या आरोपी की गिरफ्तार जा रही है उसको? अच्छा, लड़की को लेकर के कोई विवाद वगैरह बताया जा रहा है? अभी तक इसमें जो है जानकारी नहीं है प्रारंभिक जांच में, लेकिन विवेचना की विषय है। अगर कोई ऐसे मैटर आता है तो विवेचना भी आ जाए।